राजौरी सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ ड्यूटी पर थे जब उनकी मृत्यु हुई, तो क्यों उन्हें शहीद का दर्जा नहीं दिया गया? क्यों उन्हें कोई सैन्य सम्मान नहीं मिला? शव को, उनके पार्थिव शरीर को एक प्राइवेट एम्बुलेंस और सिविल वर्दी में भेजा गया। क्या ये है अग्निवीर स्कीम की असली सच्चाई? आपको याद होगा कि जब अग्निवीर योजना भाजपा सरकार लाई थी सेना में युवाओं की भर्ती को लेकर, तब अग्निवीर योजना के बारे में कई सारी आशंकाएं जाहिर की जा रही थी। आम आदमी पार्टी ने भी बड़ी बुलंदी से अग्निवीर योजना की आशंकाएं जाहिर करी। कई महत्वपूर्ण प्रश्न उस योजना से संबंधित भारत सरकार पे, मोदी सरकार पर दागे, लेकिन उस समय भाजपा सरकार के कान पर जू नहीं रहेंगी। लेकिन आज ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि जिसका डर था वही हुआ, जिसकी शंका थी वही हुआ। जब शहीद अग्निवीर अमृतपाल जी के पार्थिव शरीर को उनके गांव कोटली कलां लाया गया, पंजाब में स्थित मानसा जिले में कोटली कलां गांव लाया गया, तो ना ही उनके साथ कोई सेना का यूनिट आया, मात्र एक आर्मी का हवलदार और दो जवान सिविल वर्दी में उनके शरीर को लाए, प्राइवेट एम्बुलेंस में उनके पार्थिव शरीर को लाया गया, कोई सेना की गाड़ी भी मुहैया नहीं कराई गई। और सबसे चौंका देने वाली बात, उन्हें कोई सैन्य सम्मान अंतिम विदाई के समय जो एक सैनिक को दिया जाता है वो नहीं दिया गया। इस अग्निवीर योजना के चलते उन्हें और उनके परिवार वालों को ना ही कोई पेंशन भी दी जाएगी और ना ही उन्हें कोई शहीद का दर्जा दिया जाए। एक दिल दहला देने वाला वीडियो, उनके पार्थिव शरीर जब उनके गांव पहुंचा तो वहां जो हालात थे वो जाहिर करते हुए सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ है। केंद्र में बैठी भाजपा सरकार से लोगों ने कई सवाल पूछे हैं कि क्यों एक अग्निवीर जिन्हें सेना में भर्ती किया गया, जो ऑन ड्यूटी शहीद हुए, राजौरी सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ ड्यूटी पर थे जब उनकी मृत्यु हुई, तो क्यों उन्हें शहीद का दर्जा नहीं दिया गया? क्यों उन्हें कोई सैन्य सम्मान नहीं मिला? और क्यों उनकी शव को, उनके पार्थिव शरीर को एक प्राइवेट एम्बुलेंस और सिविल वर्दी में भेजा गया, ना ही उन्हें तिरंगे झंडे में लपेटकर उनके परिवार वालों को सौंपा गया और ना ही कोई सैन्य सम्मान अंतिम श्रद्धांजलि सेना द्वारा उन्हें प्रदान करी गई? क्या यह है अग्निवीर स्कीम की असली सच्चाई?